सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर श्र बलिदान भोल सांजे दरबार गिरिजे ओम गणेशाय नमः ओम वक्रतुण्ड प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते
महाचक्रुसुंदरे वराहरूपनीशिवे नारायणे नमस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं गौतमे त्रैलोक्यकारणसहिते नारायणे नमस्तुते करिष्णे महाभद्रे सहस्रनयनाज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमस्तुते शिवज्योति स्वरूपेण हतदेत्य महाबले गौररूपे महानाभे नारायणे नमस्तुते द्रष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवसने नारायणे नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणे नमस्तुते मृदे सरस्वती बले भूति बाभवितामसे नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते वरव्यवसायिनो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनतय भूषितं पातुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायिनि नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं वशेषासुरधनं त्रिशूलं पातु नो दीर्घभद्रकाले नमस्तुते हिणश्रीजज्ञतेजांसि स्वनेन पूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुदानिव असुरासिर्वसापङ्कर्षिदस्य करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वामृताभयम् रोगानशेषानपहांसि दुष्टा हृष्टा तु आमान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां भयन्ति एताज्ञसङ्गा कदनं त्वयाज्य धर्मान्तशान्ते महासुराणां रूपेणैके भवता समोदे कृत्वाम्बिकेतत्प्रचरादिगान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु भाग्येषु जगादधन्या मम त्वकर्ते अति महान्धकारे विभ्रामयाते तदनेव विश्व रक्षांसि यत्र घविजाजनग यत्रायोदशुभवानि यत्र दावानलोयतदाभिमध्ये तत्र सा त्वां परिपाधि विश्वम् विश्वेश्वरे त्वां परिपाधि विश्वम् विश्वात्मिघातारे हसेत् विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वात्रराजे त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयोर्भीत् नित्यं यथा दुर्भदानैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयासु उत्पातपाकजनिता च महोपसर्गान् प्रसन्नं प्रसेद त्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामे लोकानां वर्षा भव देव्यो वाच भरताहं सुरगणा परं धर्मनरे सदा त्वं प्रयत्त्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्धैर्यविनाशन देवस्वयं तरे प्राते अष्टाविंशतमे युगे शुम्भो निशुम्भदेवान्यामुत्पद्येते महासव नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्व नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेणाभिनवीतले अवतीर्या नेष्यामि मे प्रसिद्धा सुदानवान् भक्षयन्ता च दानग्रामे प्रसिद्धा महासुरा रक्ताजन्ता भविष्यन्ति दानमेकसमोपमा ततो मा देवताः स्वर्गे मत्यलोके च मानवा
सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का महाविभूति के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माया विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माया विभूति की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माया विभूति की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माया विभूति स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युत्तम सम प्रभा मृगपते संघस्तिताम्बेजनाम् हस्ता विलासे विदाः
तस्याहं सकलां बालां नाजयिष्यामि दन्तया मधुकेतवनाशञ्च महिषासुरघातनं कीर्ति चन्ति ते तत्पदपदं शुम्भनिशुम्भयोः अश्रम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां ते गते ततः शोचन्ति ते भजे पञ्चा मम माहात्म्यमुत्तमम् नातेजां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतौ दानचापदः भविष्यतेन दारिद्र्यं नाचेष्टभिदो जनम् शत्रुतो नाभयं तस्य दर्शितो वा नरायतः न तत्रा नलतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् मने तन्माहात्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा वज्रा परं स्वस्य न मिलत् उपसर्गाणदेशातो महामारे समर्पवान् तदा त्रिगुरोत्पातं माहात्यं समये मम यत्रेतः पठ्यते सम्यक् नित्यमायातने मम सदा नादद्विभोजाने सान्निध्यं दत्त मे सदा बलिपथाने पूजायाम् अग्निकाले महोत्सवे सर्वमवेतचरितमुच्चारन्द्राप्यमे भज जानता जानता पापि बलिपूजा ददा गता प्रतिशिच्यामहं प्रेचा बह्निहोमं ददा गता शरत्काले महापूजा क्रियते या च वर्षगे तस्यामवेतन्माहत्यं कृत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुच्य धनधान्यसुदान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममे तन्माहत्यं तथा चोत्पत्त्या जना प्राणं यदुद्देशो जायते हरिपवाः सञ्चयं जान्ति कल्याणं चोपबद्धते नन्दते च कुलं पुंसं माहात्यं मम जयताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःसपनदर्शने यीडा दुःग्रातु माहात्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः च मम जान्ति गृहपीडा च दारिणा दुःस्वप्नं च निवृत्तं दुःस्वप्नम् उपजायते बालगृहाभिभूतानां बालानां जान्तिकारकम् सङ्गालभेदे च नृणां मैत्रे कर्णमुत्तमम् दुर्वृत्तानां देशानां बलहानिकरं बलम् रक्षोभूतविजाचानां पठनादेवनाजनम् सर्वममे तन्माहात्यं मम सन्निधिकारकम् पशो पुष्पार्यलोपे च गन्धदीपे तदात्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोजनीयहरिजम् अन्ये चाभिविधे भोगै प्रदाने वत्सरे मया प्रीतर्मे क्रियते सर्वे स्वग्रे सुजयते हृदे श्रुतमहर्ति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेजो जन्मनाङ्केतनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदेव्या निवर्हणम् तस्मान् श्रुते धैर्यकृतं भयं पुत्रायते दुष्माभिस्तुतयो याच ब्रह्मार्जने कृता ब्रह्मणा चाज्ञदातस्तो प्रयच्छन्ते जनामते अरण्ये प्रान्तरे पापे धावन्ये परिवारितः दशभिर्भावृता जन्मे गृहे लोपापि यत्त्वे सिंहव्याघ्रानुजातो पापने भावनः स्त्रिः राज्ञा गुद्धेन जागर्तो वज्र वञ्जगतो विवाह आगुरुणितो वा बाधेन तदा पोते महानवे पशुषाभिषस्येतु सङ्ग्रामे निषदारुणे सर्वाभाषासु घोरासु वेदनाव्यापितो विवाह स्मरणमे रचयितं नरो मुञ्चेत सङ्कटात् मम प्रभाव सिंहाद्यादृभोपेणि न सदा दूरादेव पलायन्ते स्मरन्तक्षयितं मम ऋषिभाज इत्युक्त्वा स भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रेयान्तरधीयत ते देवानिरातङ्गः स्वाधिकारा यदा पुरा यज्ञपाकः पुजा सर्वे चक्रो विनियतार्यः देव्या च देव्या नेते जुम्बे देव कोयिरे जगद्वंसने तस्मै महोग्रतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमालयो एवं भगवती देवे सान्निध्यापि पुनः पुनः सम्भूया कुरुते भूपा जगतः परिपालनम्
तन्मोयते विश्वं देव विश्वं प्रजोयते साजाचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्यासं तयेत सकलं ब्रह्माणं मनुयेश महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टे भगवत्या सिद्धिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकालेव लक्ष्मी विद्ये पदाग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सुधा सम्भूय पुष्पे धूपगन्धादिसदा ददाति वित्तं भूत्वा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अक्षिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवे भवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम येन मन्त्रप्रभावेन जङ्गेयापः युवो भवेत् नाकोक्षं नार्गलः स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् नासोचं नाभिधानं च नानाधोनजवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरदेवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वति मारणमोहनं वशं सम्पदो जातनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कामुद्रायै विच्चे ॐ ग्लौं ह्रों क्लीं ह्यों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं सं भस्वाः नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्धने नमस्ते शुभहारिण्ये नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुभहन्ते जनिशुम्भादुर्गादिने जागृतमहे महादेवे यवं सिद्धेन्द्रलक्ष्मे एकारि शिष्यरूपाय एकारि प्रतिपालिका क्लिङ्कारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाति च एकारि वरदायिनि विशेषा वरदाने च नमस्ते मन्त्ररूपिणे दां धेनुं दुर्यते पद्मे दां देवं वागदेश्वरे क्रां क्रीं क्रों कालिका देवे शां श्रीं सोमे शलङ्गलं हुं हुं हुङ्कार रूपिण्ये जं 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 वनाधिने ब्रां ह्रीं क्रों भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं तं पं पं यं षं भीं दुं ह्रीं भीं अं चं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोत्रे त्रोत्रे देवं गुरुगुरु स्वाहा पां क्रीं पुं पार्वते पुनः कां क्रीं गोगे चरे तथा सां श्रीं सों सप्तभ्यां मन्त्रसिद्धिं गुरुष्मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागस्य हेतवे अवस्थेनैव दास्तव्यं गोपिसंरक्ष्य पार्वते यत् कुञ्जिकया देवे हीनां सप्तशते पदे न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये वदनं यथा अथ दुर्गाया पद्धराष्टक नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके वेशरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे नमस्ते जगद्दमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्रायि दुर्गे अनाथस्य धनाधरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्यन्तो त्वमेकागतिर्देवि निस्तारगते नमस्ते जगत्तारणि अरण्ये दारुणे जत्वमद्य जले सङ्कटे राजति त्वमेका गतिर्देवि
नमस्ते जगत तारिणी साई दुर्गे अपारे महादरे शांत गौरे विपदाचरे भजतां देहवाजं स्वमेका गदे देवी निस्तार लोका नमस्ते जगत तारिणी साई दुर्गे नमचंडिके चंड धर चंड लीला समद कंडिता कंड लाजे जगत्र स्वामी का गतिर विघ्न चंदा हरते नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे स्वामी का सदा राधिका सत्यवादी ज्ञाने का जिला क्रोध न क्रोध निशा इला पिंगला जो सुमना जनाने नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे नम देवी दुर्गे जिभे मना दे सदा सर्वसिद्धे प्रदाते स्वरूपे विभूति सदाकार रात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे शरण अधिसुराणाम सिद्ध विद्याधराणाम मुनि धनुर्धराणाम यादिवेदितानाम नृपते श्री भगवते स्तोत्र जय भगवते Yeah.
क्षमा प्रार्थना अपराध सहसाने हियन्ते हर निजमया दासोऽयमिति मा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि निसर्जनम् पूजाम्येव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुलेजरे जगतो जिदं मया देवे परिपूर्णं ददासु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति योजरे जां कलिं समभापनोति नातां ब्रह्मादयः स्वां जगदम्बिगे इदानीमनुगम्योऽहं यते सदे दधागुरु अज्ञानादिस्मृतेर्भ्रान्त्या यज्ञानम् अधिगाकृताम् तत्सर्वं रम्यतां देवे प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ग्रहणार्चामि मां प्रेत्य प्रसीद परमेश्वरि भूयादि वैयघोपेतं ग्रहणास्मत्कृतां जपाम् भवतु मे देवे त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि सचिया ज्योत भले माता तेरी सदा ही जय सर्थ मनोर्थ पूर्ण करण वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे सो समय अभक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है इस माँ जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन ने जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का अभक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय बसंत नवरात्र चल रहे हैं और जो नवरात्र जो होते हैं नौ दिन का जो समय जो होता है ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण समय होता है। नौ दिन जो है जय माँ भगवती विशेष साधना का माँ की आराधना का जय भक्ति का जय शक्ति संवर्धन का शक्ति संचय का ये समय होता है जिसमें भक्त जन जो है सभी जो है बाल नर नारी वृद्ध सभी जो है
इस समय इस शक्ति की उपासना में लगी हुई है कि 9 दिन जब नवरात्र आते हैं तो पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि हम भगवती की आराधना करेंगे, माँ की उपासना करेंगे, व्रत करेंगे, जप करेंगे, माँ का भजन करेंगे, माँ के अखंड योज गाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, हमारा जीवन जो है वह सुख में बना रहे, हमारे कार्य सिद्ध हो, जीवन की जो भी विघ्न बाधा है वह विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती से भक्त जन जब विशेष जो है नवरात्रों में भगवती की साधना कर करके माँ की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जिस आशीर्वाद से उन भक्तों की मनोवलक्षित कामना जब पूर्ण होती है, जो 9 दिन जो है भक्तजन जो भगवत के जो 9 रूप है एक एक स्वरूप का ध्यान करता हुआ भगवती की साधना में अग्रसर होता है, माँ के जो 9 रूप है वे इस प्रकार से ही प्रथम शैल पुत्रे च द्वितीय ब्रह्मचारिणे तृतीय चंद्र घंटे कुशमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि महाघोरी च अष्टमम नवम सिद्धि धात्री च नव दुर्गा प्रकीर्ति बोलो दुर्गा माता की जय। तो माँ दुर्गा के जो 9 रूप है, पहला रूप जो शैल पुत्री का है और शैल पुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए शैल जो पर्वत को कहते हैं, पर्वत की पुत्री होने के कारण से जो भगवती जी शैल पुत्री कहलाई, पार्वती कहलाई और इस प्रकार से दूसरा स्वरूप जो है जो पहले दिन जो भक्त जन जो है शैल पुत्री का ध्यान करते हुए अपने मन को जो है मूलाधार चक्र में स्थित कर करके माँ की साधना प्रारंभ करते हैं, जैसे जो है साधना जो है जो प्रारंभ होती है मूलाधार चक्र से, मूलाधार चक्र मन को सिद्ध कर करके बस साधना प्रारंभ करते ही और आज दूसरे नवरात्र में जो है दूसरा रूप भगवती का जो है ये ब्रह्मचारिणी का है, ब्रह्मचारिणी का ये रूप ही माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करते हुए फिर भक्त जन जो है अपने मन की स्थिति जो है स्वाधिष्ठान चक्र में ले आते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र में मन को स्थित कर करके माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का जो है वह ध्यान करते हैं और भगवती की उपासना करते हैं। तो दुर्गा की जी भगवती की जो दूसरा रूप जो है माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी का जो है ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या तप करना, तो तपस्यारिणी तपस्या तप का आचरण करने वाले ऐसी वह ब्रह्मचारिणी जो तप का आचरण करने वाली है कि वेदस तत्वम ततो ब्रह्म वेद तत्व और तप जो है जे ब्रह्म शब्द के जो अर्थ है ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का आचरण करने वाली और ऐसी जे भगवती जो है जिसके जो 2 हाथ जो है एक हाथ में दाएं हाथ में जे जप माला ली हुई दूसरे हाथ में करमंडल है ऐसा इनका स्वरूप जो है जो साधना में तल्लीन है। जे भगवती अपने पूर्व जन्म सती के रूप में जब जो है अपने पिता के यज्ञ में दश प्रपति के यज्ञ में जे पूर्व जन्म में सती थी और सती ने जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना देह जो था वह त्याग दिया था और उसके उपरांत जो है फिर इनका दूसरा जन्म जो था हिमालय के घर में हुआ, हिमालय के घर में हुआ तो इसका नाम जो है जो पार्वती हुई, मैना इनकी माँ थी, हिमालय इनके पिता थे और हिमराज के घर में जो है इनका यह जन्म हुआ। अब जो है कहते हैं कि शिव पुराण की कथा आती है जिसमें इसका वर्णन बतलाया गया है कि जब जो है यहाँ हिमालय के घर में पुत्र के उत्पन्न हुए तब जो है ब्रह्मा की प्रेरणा से जो है आप पार्वती थोड़ी सियाणी हुई और जो है ब्रह्मा की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी जो है ये वहां पर आ पहुंचे। भ्रमण करते कहते हैं कि जब भगवान जो है जिनका कल्याण करना चाहते हैं उनके जीवन को संत भेज देते हैं, महापुरुषों के दर्शन होते हैं, सत्संग की प्राप्ति होती है, उनके मन के विचार जो बदल जाते हैं और फिर वे इसी प्रकार से उनके विचार उनकी सोच ऐसी धार्मिक होती है और वे भगवान की साधना कर करके अपना कल्याण कर लेते हैं। देवर्षि नारद जी भ्रमण करते करते जो है ब्रह्मा की प्रेरणा से उसी स्थान पर आ पहुंचे हिमालय के घर में जहाँ पर सती ने जन्म लिया था। पार्वती के रूप में अब जो है वहां पर पहुंचे हिमालय ने जो है राजा हिमालय जो है उन्होंने बड़ा सत्कार किया ऋषि का, ऋषि आए संत के दर्शन हुए संत के चरण घर में पड़े हैं तो ऐसे तपस्वी ऐसे ऋषि जो है कहते हैं कि जिन घर में चरण पड़ जाए वह घर पवित्र हो जाता है उसका कल्याण ही होता है। अब जो है ऋषि आए उनका स्वागत किया चरण धोए आसन दिया बिठाया है और जो है सेवा की फिर जो है
हिमालय राजा रानी दोनों जो हैं यह ऋषि के पास आकर बैठ गए और कहा बहुत समय के बाद जो है बड़ी प्रार्थना करने के उपरांत जो है हमारे घर में जो है पुत्री का जन्म हुआ है, बेटी हुई है, कितनी खुशी थी। प्रार्थना कर करके जो है मैं कल भी बतला रहा था कि दस प्रजापति ने किस प्रकार से माँ को जो है ब्रह्मा ने कहा था कि पहले आप जो है भगवती माँ पराम्ब को प्रसन्न करो, तब करो और प्रार्थना करो कि वह आपके घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हो। पुत्री बेटी जो है कहते हैं जी माँ का रूप है। प्रत्येक घर में जो है जे माँ विराजमान है, तीन रूप में, बेटी के रूप में प्रत्येक घर में विराजमान है, माँ के रूप में और बहू के रूप में, जो लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है। और इस प्रकार घर में जिस घर में बेटी का, बहू का, माँ का जो है मान सम्मान है, उस घर में जो है कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती, धन लक्ष्मी का भी कमी नहीं आती, कभी क्लेश कोई कला नहीं होती है, जिस घर में तीनों का मान सम्मान। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा रानी दोनों जो है ऋषि के पास बैठे और बैठ कर उन्होंने कहा बड़ी प्रार्थना करने का प्राण जो है हमारे घर में जो बेटी का जन्म हुआ है, जरा इसकी हस्तरेखा देख करके बतलाइए इसका भाग्य कैसा है, इसमें कौन कौन से दोष है। आप तो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। रामायण में तुलसीदास ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि उन्होंने कहा ही त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारे कहो सुता की दोष गुण मुनिभर हृदय विचारी। कि इस प्रकार से हमारी जो सुता जो पुत्री जो है इसके दोष जो है वह बतलाइए और गुण जो है ये क्या है, तो सब जो है आप बताने की कृपा करें। तब उन्होंने प्रार्थना की तो राजा ने पहले जो है क्या कहा कि दोष और बाद में गुण कहा, पहले इसके दोष बतलाइए फिर गुण। परंतु जो है देवेशी नारी जो है जे बड़े ही ऐसे ऋषि हैं, बड़े ज्ञानवान ऋषि हैं, इन्होंने पहले दोष नहीं बतलाए, पहले पुत्री के गुण बतलाए और गुण बतलाते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि मुनि जी कह मुनि भेसी गुड़ मृदु वाणी, बड़ी गुड़ वाणी से जो है कहते हैं सोता तुम्हारी सकल गुण खानी, जे समस्त गुणों की खान है तुम्हारी बेटी जी, एक गुण नहीं अनंत गुण जो है इसमें विद्यमान है, सकल गुण खानी और सुंदर सहज सुशील से आनी, आपकी बेटी इतनी सुंदर है और जो है नाम उमा अंबिका भवानी, इसके नाम क्या होंगे, उमा भवानी माँ अंबिका जो है ऐसे इसके नाम होंगे। इस प्रकार बतलाते हुए कहते कि देवश्री नारी जी ने जो है गुणों की जो ऐसे विचार की बहुत बड़ी लिस्ट जो बता दी कि इस प्रकार इतने गुण है। तब जो है अब जो है राजा ने कहा महाराज आपने गुण तो बतलाए हैं, यदि कोई दोष भी हो तो वह भी बता दीजिए। तब जो उन्होंने कहा कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनू जे अब गुण दो चारी, तुम्हारी बेटी जो है सर्व गुण संपन्न है, गुणों की खान है, परंतु दो चार जो ज्यादा नहीं, दो चार जो है इसके अवगुण भी जो है जब सुन लीजिए। वह अवगुण क्या है, जोगी जटिल अकाम मन नग अमंगल भेष अस्वामी यही कहा मिल ही परि हस्त असी रेख, इसकी रेखा जो बतलाती है इसका जब पति होगा इस प्रकार से बड़ा बड़ा जो है बड़ी बड़ी जटाधारी जो है छोटी छोटी जटा धारण किए हुए हैं ऐसा इसका पति होगा और अमंगल भेष जो है नगन नंग दंग जो है ऐसा जो है इसका पति होगा। और ऐसा जब उन्होंने कहा तब जो है राजा रानी जो थे दुखी हो गए, मन उदास हो गया, गुण सुने बड़ी प्रसन्नता हुई, जब दोष बतलाए कि इसका पति ऐसा होगा तब जो है दोनों पति पत्नी उदास हो गए। परंतु माँ पार्वती जो थी बड़ी प्रसन्नचित थी, प्रसन्न हो गई, वह जानती थी कि जो जे मुनि जो बतला रहे हैं उन्होंने जान लिया कि भगवान शिव जो है मुझे पति रूप में प्राप्त होंगे, भगवान शिव मेरे पति होंगे। अब जो है राजा रानी दोनों दुखी हैं, पुत्री इतनी गुणवान है, इतनी सुंदर है और पति ऐसा होगा, सब जय चाहते हैं अपने पुत्र के लिए भर जो है अच्छा हो, योग्य हो, ज्ञानवान हो और ऐसा अमंगल भेष वाला जो है ऐसा पति जटाधारी नंग धड़ंग जो है जे ठीक नहीं। तब बड़े दुखी हुए, तब जो है ऋषि ने कहा देखिए
ये सारे दोष जो मैंने बतलाए हैं आपको, ये सब के सब जो है भगवान शिव में विद्यमान है। और जो समर्थवान होते हैं, समर्थ कहो नहीं दोषों को छाई, जो समर्थवान है उसके वहां दोष भी गुण के रूप में परिणत हो जाते हैं। इसलिए यदि तुम्हारी बेटी जो है, जय पार्वती जो है, यदि भगवान शिव की आराधना करे और जो है इसे भगवान शिव जो है पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं, पार्वती बड़ी प्रसन्न है। तब माता पिता ने कहा कि ठीक है, भगवान शिव जो है इसे पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो कहते कि उस समय देवर्षि नारद जी ने इनको जो पंचाक्षर मंत्र जो है दीक्षा मंत्र दिया। इस मंत्र के द्वारा बेटे जप करना, भगवान की साधना करना। कहते कि तब जो है उन्होंने गृहस्थ का त्याग किया और तपस्वी वेश धारण किया। और इतनी कठिन तपस्या की है, इतना कठिन तप किए हैं, कहते कि जहां तक कि जब गर्मी के दिन होते हैं तो गर्मी कड़ी धूप में जो है चारों ओर आग जलाकर बीच में बैठ करके फिर तप किया करती थी। जब बारिश होती थी, बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में वह खुले में चट्टान पर बैठ करके तप किया करती थी, और सर्दियों में जल में बैठ करके तप करना, जल समाधि। ऐसे इन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया, कंद मूल फल खाकर कहते हुए जो है तप किया, और जो है कंद मूल फल भी खा दी जो है छोड़ दिए। केवल माता कहते 100 वर्षों तक तो इन्होंने केवल माता साग पत्ते जो है खा करके तप किया, फिर जैविक खाना छोड़ दिया, फिर सूखे पत्ते बेल पत्ते जो है जो पर नीचे गिरे होते थे सूखे पत्ते वह खा करके तप करती रही। फिर अंत में जे बेल पत्ते पर्ण भी खाना छोड़ दिया, जिससे इनका नाम जो था अपर्णा पड़ा। अपर्णा पड़ा। अब जैसी तपस्या उन्होंने की, ऐसा तप किया, और जिस तपस्या करते करते इनका शरीर जो था थोड़ा धूमल हो गया। वो जो है इस प्रकार से अब जो है उसे देख रहे, जब इनकी माँ मैना वहां पर आई और देखा पुत्री थी, तब करते करते कृष्ण हो चुकी है, दुबली पतली हो चुकी है। जे देख करके माँ घबराई और कहने लगे, ओ माँ ये क्या करती हूँ, तो जो है ऐसा मत करो। ओ माँ, तो मैंने कि माँ के कहने पर जो है जिस शब्द उच्चारण हुआ उसके मुख से ओ माँ, तो इसका एक नाम उमा पड़ गया। अब जो है ऐसी कठिन तपस्या की और जिसकी दसों दिशा में सराहना होने लगी। संत ऋषि मुनि महात्मा देवता जो है वह माँ की आराधना के लिए जो है इसका सराहना करने लगे। अब तक ऐसा तब किसने नहीं किया, कोई कर नहीं पाया। और तब जो है कहते कि ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि सभी ऋषि मुनि संत महात्मा जो देवता सब आपकी तपस्या की सराहना कर रहे हैं, और ऐसी तपस्या करने में कोई भी समर्थ था ही नहीं, जो आप ही समर्थ हैं, इसलिए आपकी मनोलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली भगवान शिव जो है आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अभी आपके पिता आपको लेने आएंगे, आप तब से व्रत हो जाइए और जो है अब घर जाइए, भगवान शिव जो है आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए कहा है कि भगवती ने जो है बड़ी कठिन तपस्या की, और इससे जो हमें जो शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को कोई भी जब कार्य करना होता है, जब एकाग्रचित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ वह साधना करता है, तो वह जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी। चाहे वह आप जो है कोई भी कार्य करते हैं, बच्चे जो है विद्या प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए एकाग्रता ब्रह्मचर्य का बड़ा अनिवार्य है। जो शक्तिशाली होते हैं वो ही जो सर्वत्र सफल होते हैं, जो शक्तिहीन होते हैं वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, दूरस्थों की रक्षा क्या करेगा और कार्य में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। इसलिए जो सब प्रकार की शक्ति को देने वाली जय भगवती ही, जिसके दरबार विराजमान है जय भगवती जो है ज्ञान शक्ति ही। इसी कृपा से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, तो भगवती कृपा से मनुष्य के अंदर सद्विचार उत्पन्न होते हैं, और फिर वह धर्म के मार्ग पर चलता और धर्मानुकूल कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवती की आराधना, ब्रह्मचर्य की आराधना जो आज के दिन विशेष जब बताया गया है, स्वाधिष्ठान चक्र में अपने मन को स्थित कर करके जब साधक जो है माँ की साधना करता है, इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप का ध्यान करता हुआ जी भगवती की साधना में अग्रसर होते ही, तो माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जो है उसमें त्याग, वैराग्य, और जो है जीवन में कैसा भी संघर्ष उसे करना पड़े, कैसी भी स्थिति जीवन क्यों ना आ जाए, वह कभी विचलित नहीं होता।
धर्म से कभी विमुख नहीं होते हैं और प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते ही जिस पर मां ब्रह्मचारिणी की कृपा हो जाती है। बोलो सच्चे की जय। तो मां ब्रह्मचारिणी का जो आज का स्वरूप जो है जो भगवती ब्रह्मचारिणी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को वरदान दे, आपको आशीर्वाद दे, आपका मनोरथ को पूर्ण करें और इस जमा जगजन्य की सदा सर्वदा इसी प्रकार से आप पर कृपा बनी रहे और भगवती जो है इसी तरह से अपने दरबार में आपको बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही। ऐसा जिस समय आपको प्राप्त हो गई नवरात्रों को कहते हैं कि नवरात्रों में जिस भाव से भगवती के शरणागत होकर के भक्त जन मां से प्रार्थना करते हैं, मां भगवती उसी रूप से उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, उनकी समस्त मनोलक्षित कामना को पूर्ण करती है। जो पुत्राधि पुत्र की कामना करते हैं मां भगवती उन्हें संतान सुख का वरदान देती है, जो धनार्थी धन की कामना करते हैं मां भगवती उन्हें धन लक्ष्मी वरदान देती है, जो विद्यार्थी विद्या की कामना करते हैं मां भगवती उन्हें विद्या बुद्धि का वरदान देती है। इस प्रकार से जो भक्तजन जो है आरोग्यता की प्राप्ति के लिए मां से प्रार्थना करते हैं मां भगवती उनको निरोगी जीवन देती है, रोगों से मुक्ति देती है। इस प्रकार से जिस भाव से भक्तजन मां के शरणंग धोकर के मां से प्रार्थना करते, क्योंकि ये मां भगवती के विशेष दिन होते हैं और ऐसे में जो भी भगवती की साधना जप पाठ जो किया जाता है, ध्यान किया जाता है, मां का स्मरण किया जाता है, मां का भजन किया जाता है, इसका अनंत गुणफल होते ही फिर शक्ति पे पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, तो इसका अक्षय फल होते है। इस फल का कभी नाश नहीं होता, पुण्य का कभी नाश नहीं होता। बोलो सच्चे द्रवार की जय। तो आप सभी जो है माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जब मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन माँ की साधना करते हैं उन भक्तों पर इन तीनों देवियों की इन तीनों शक्तियों की विशेष कृपा होती है। इस तरह से इस मंत्र के द्वारा माँ की साधना, माँ के दरबार में आकर के पिंड के रूप में भगवती के दर्शन करना, क्योंकि ये तपस्थली है, तपोभूमि ऐसी तपस्थली है, क्योंकि जहाँ आने से मनुष्य के पापों का नाश होते ही पुण्य की प्राप्ति होती है और इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन जो है धन्य हो जाता है। तो सभी आप इस मंत्र का पाठ करेंगे और नवरात्र जितना इसका जप कर सकते हैं नवरात्र इसका खूब जप कीजिए और प्रतिदिन निज बना लीजिए एक एक माला प्रातःकाल सायंकाल इसकी एक एक माला जप तो अवश्य करें। तो सभी मिलकर के बोलना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 बोल सच्चे द्रव्य की जय। तभी भजन की वेला निवेदन कराची जयपुर से मां के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सब भक्तों से संगीत में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री जयपुर जी। जयकार शिरवली जय। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं आया तेरे द्वार सुन लेना मेरी पुकार। Come on.
I'm not
शरावली दा बोल सच्चे दरबार की जय। कभी भजन पुस्तक श्री सुरेश जी जय करा मेरी शेरोवाली मैया जी का भोल सच्चे दरबार की जय। अम्बे माँ दुर्गे माँ अम्बे माँ दुर्गे माँ अम्बे माँ अद्भुत नजारा माँ तेरे द्वारे पे है। वैष्णवी अद्भुत नजारा माँ तेरे द्वारे पे है। वैष्णवी अद्भुत नजारा माँ तेरे अद्भुत नजारा तेरे द्वारे पे है। बेसहारों को सहारा माँ तेरे द्वारे पे है। बेसहारों को सहारा माँ तेरे द्वारे पे है। वैष्णवी अद्भुत नजारा माँ तेरे द्वारे पे है। अद्भुत नजारा माँ तेरे द्वारे पे है। जगत की रुसवाइयों को दूर करने के लिए जगत की रुसवाइयों को दूर करने के लिए जगत की रुसवाइयों को दूर करने के लिए जगत की रुसवाइयों
बन बन ढूंढा जोगन बन के बन
बन ढूंढा लो गन बन के हाल बिहाल भी दो 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 गन बन के कई रुता आके पी सकिया रुता आके पी सकिया दर्शन विनय किया कर दीद तेरी दे नैन प्यासे दीद तेरी दे नैन प्यासे उमा लोका पाने बन गए हासे लोका पाने बन गए हासे उमा दीद तेरी दे नैन प्यासे दीद तेरी दे नैन प्यासे उमा लोका हुन द्वार तेरे ते आन पियां द्वार तेरे ते आन पियां हुन द्वार तेरे ते आन पियां द्वार तेरे ते आन पियां दर्शन विनय किया कर सरिया दर्शन विनय किया कर सरिया दर्शन विनय किया कर सरिया दर्शन विनय Thank you.
माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सताम सतवी संघा कथम पुण्यन भवति, सत्संग का प्राप्त होना जो बड़े पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म का फल होते हैं, जो इस प्रकार मनुष्य जीव को प्राप्त होता है। धन्यास्ते पुरुष लोके जे अर्चन्ति सदा भगवती, संसार में भी लोग धन्य है, बड़ भाग्य ही जिन्हें इस प्रकार से माँ भगवती की भक्ति करने का, माँ की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बढ़ी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आपसे भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे, संतते भाने भवे, श्रीमान जसस्वे भवे, प्रज्ञा भाने भवे, भूर भूत करने दाने कनिष्ठो भवे, तेजस्वी भवे, धैर्य दर्व दलने व्यापार दक्ष भवे, श्री शंबर पाद पुण्यरत है, सर्वोपकारी भवे, मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है, शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्राणाम उदयस्तु, शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम आविदात, शुभमानम हि धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आपसे भक्त जन भक्ति उससे माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी मैया जी को निश दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी चंद्र दिवाकर सम्राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी गाती मैया, महिषा सुर गाती धूम्र विलोचन दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी संत मंद संता हरे मैया, शोभित बीज हरे तुम गो मारे, मधु कैटव तुम मारे, सुर भयहीन क
सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भोजाचारी मैया भर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय हरि हर स्वामी हनुमाचित पर पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी सचिया ज्योत बलि माता देहि सदा शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे धर्मधारी की जय। परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुहाद्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता जी, संभल बोलो जय माता जी, अति खोलो जय माता जी, 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 जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे।
सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर कमा से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुखम, देही मे परमं सुखम, रूपं देही जयं देही, रूपं देही जयं देही, यशो देही दिशो जहि, यशो देही दिशो जहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन महाभगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदगने, तृतीय स्मरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण मई आठ पहर चौसठ घड़ी, जो चरणा का ध्यान दे मां। Thank you.
చక్రగదేషు జాపహరిణోరం వశుల్యంశరా శంఖం సందదదింకరేత్రినయనం సర్వాంగభూషావృత నీలాశం దాసపాదశకం సేవే మహాకాళికా యామస్తో స్వపితే హరో కమలయో హంతం మధుకేశవం అక్షశ్రగ్పరిశుంగదేషు పురుషం పదమంద్రనుష్కుండికా దండం శక్తిమసింధ చర్మజలయం గండాసురావాజనం శూలం వాసుదర్శనే చ దరతి హస్తే ప్రసన్నానం దేవీ సేనుర్వర్ధనే మై మహా లక్ష్మీ సరోజస్థిలం గండా శూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధను సాయకేదృంగనంత విలస శీతాశుతుల్య ప్రభా గౌరీ దేహ సుమద్భవాంగి జగద ఆధార భూతామహ పూర్వా మత సరస్వతీ మనువజే శుభాదిత్యాదిని తుమేవ మాతా తుమేవ తుమేవ బంధుసకా తుమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగివిధ్యానగమ్యం వందే విష్ణు భవవరణం సర్వలోకైకనాథం అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లవం జానకి నాయకం శ్రీరామచంద్రం భజే హరే మురారే మధుమేహలారే గోవింద గోపాల జ్ఞానం ప్రదేహి శరణం ప్రదేహి ప్రదేహి హే మై మేరీ సచ్చియా జోతా వాలీ మాతా తేరీ సదాయి జయ పంచ ఫులారాణి మాతా తేరీ సదాయి జయ సర్వత్రదా బలాకర వాలీ మాతా తేరీ సదాయి జయ సారే సంసార విశాంతి దేన వాలీ మాతా తేరీ సదాయి జయ ఫులా చుకా మాఫ్ కర వాలీ మాతా తేరీ సదాయి జయ లోంకడా భీర్ ఠాకుర తేరీ సదాయి జయ बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर 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 महादेव बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की జయ మాతా దీ జయ మేడం జయ జయ